कोरोना संक्रमण काल तथा लॉकडाउन के बीच मनाए गए 74वें स्वतंत्रता दिवस का सड़कों पर व्यापक असर देखने को मिला। देश की आज़ादी के बाद यह पहला अवसर है जब सड़कों पर रौनक नहीं देखी गई। ना तो स्कूली बच्चों का प्रभात फेरी और ना ही कोई जुलूस या सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिला। खेल गतिविधियां भी नहीं हुई, लोग घरों से नहीं निकले और अपने घरों पर ही स्वतंत्रता दिवस का उल्लास मनाया। जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कार्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया है, जिसमें सिर्फ ध्वजारोहण ही किया गया है, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। लॉकडाउन की वजह से लोगों ने भी प्रशासन का सहयोग किया है, सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला है। लोगों ने जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है, जिससे कोरोना से जंग को जीता जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, संघ के निर्देशों के अनुसार से इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस उनके डायरेक्शन के अनुसार मनाया गया है और झंडा फहराने का समय 9 बजे निर्धारित किया गया था, तो ठीक 9 बजे जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने झंडा कलेक्ट्रेट में फहराया है। एसएसपी साहब ने अपने कार्यालय में और विभागाध्यक्षों ने अपने कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए ये त्यौहार मनाया गया है। जो लोग भी इसमें शामिल थे, सरकारी कर्मचारी, वकील साहबान या जो भी जनता के आसपास के जागरूक नेशनल्स नागरिक यहाँ पर आए थे, सभी ने सोशल डिस्टेंस का परिचय देके इसे मनाया है। पूरे गोरखपुर वासियों को जिला प्रशासन की तरफ से मैं इस स्वतंत्रता 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और कोविड से अपनी रक्षा करने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स और अगर फेस शील्ड भी आप ले सकें तो अपनी रक्षा करिए। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के नियम आपके जीवन हित के लिए बनाए गए हैं। प्रशासन का, पुलिस की मदद करें, हम आपके सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार हैं। सर, कितना सहयोग मिला जनता का? जनता से भरपूर सहयोग मिला है, सड़कें खाली मिली हैं और पूरी जनता भी इस चीज़ को समझ रही है। स्वतंत्रता दिवस का सम्मान हमेशा की तरह बना रहा और इसे और गौरवशाली करेंगे। कोरोना को कोई दवा आ जाने के बाद जीवन को नॉर्मल तरीके से जीने का पूरा अनुमति शासन की तरफ से।